वेलकम बैक टू यू गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल सी सक्योर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप रूबिक्स क्यूब की फर्स्ट सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में आपको थर्ड लेयर के सॉल्यूशन की वीडियो बताऊंगा, वो भी बहुत इजी ट्रिक। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो रूबिक्स क्यूब की थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टॉप लेयर पर क्रॉस बनाना होता है, मतलब प्लस बनाना होता है, जिसके तीन केस आते हैं। पहला होता है डॉट केस, जो आप देख सकते हैं अभी बने हुए हैं, और दूसरा केस कुछ इस तरह आता है जिसमें उल्टा एल बन रहा होता है, आप देख सकते हैं ये उल्टा एल बनता है, और जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसको बाद बताऊँगा। और तीसरा केस जो हमारा है वो आता है ये एक लाइन वाला केस, जिससे हमारी हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनती है। इन तीनों केसों को सॉल्व करने के लिए हमारा सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, जिसके बाद हमारा ऊपर प्लस बन जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये लाइन वाला केस। इस लाइन वाले केस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टली लेना है, और एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम ये लगाने के बाद हमारा सीधा प्लस बन जाता है। उसमें तो हमारा डायरेक्ट प्लस बन गया, लेकिन इसमें हमारा उल्टा एल है, तो हमारे हमें दो बार लगाना पड़ेगा। दो बार लगाते हैं एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब यहाँ पे हमारा अब लाइन वाला केस बन गया, दोबारा लगाएंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम, इससे हमारा प्लस बन जाएगा। तो अब ये दो केस हमने मैंने बता दिए। अब तीसरा जो केस है वो है डॉट वाला केस। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी साइड से हम किसी भी साइड से क्यूब को होल्ड कर सकते हैं। अब हम एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम लगाएंगे, इससे हमारा एल वाला केस बन गया। अब एल को हम ऐसे रखेंगे और वही लगाएंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब इसके बाद हमारा एल वाला केस आ गया, अब दोबारा एफ आर यू आर प्राइम प्राइम और एफ प्राइम, हमारा प्लस बन चुका है। अब प्लस बनाने के बाद हमें इसके एजेस को सॉल्व करना होगा। जैसे हमने शुरुआत में इसके एजेस को सॉल्व किया था प्लस बनाने के बाद, वैसे हमें इसके सारे एजेस को सॉल्व करना है, जिसके बाद हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जैसे इसमें हम वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन बन रही है, जैसे ये ब्लू वाली लाइन बन रही है पूरी, बाकी इनमें से ये तीनों में से कोई भी नहीं बन रहा। हमें ऐसा करना है कि हमारा दो लाइन बन जाए। जैसे हमारी दो लाइन बन गई, हमें थर्ड हमारे लाइन दो लाइन बन जाएगी, और जो दो नई बनी है ना उनको रखना है फ्रंट पे, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। इसको लगाने के बाद हमारे सारे जो हैं एजिस वो सारे मैच होंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अब लास्ट स्टेप में हमें कॉर्नर सॉल्व करने हैं। अब हम सबसे पहले देखना है कि कोई भी कॉर्नर फ्लिपो को लग जाए, इस केस में लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो बी ए फॉर्मूला लगाएंगे, लग रहा है तो जब बी ए फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखेंगे दोबारा, देखेंगे कोई लग रहा है, जैसे ये लग रहा है तो दोबारा लगाएंगे। अब लगाने के बाद हमें देखते हैं कि अगर जब तक सारे कॉर्नर फ्लिपो को नहीं लगते, इसमें दोनों लग रहे हैं, अब दोनों लग रहे हैं तो वाइट को हमें ऊपर रखना है, और जो नहीं हो रहे हैं उसको नीचे रखना है। अब जो नीचे रख रहे हैं उसको वही चार मूव लगाने हैं जो शुरुआत में बताए थे, जब तक लगाते रहेंगे जब तक सॉल्व नहीं होता। जैसे ये सॉल्व हो गया, देखिए अभी ये सॉल्व नहीं है, मतलब कि हमें दोबारा लगाना है, ठीक है। अब सॉल्व हो गया तो अब नहीं लगाना, अब जो दूसरा सॉल्व नहीं है उसको सामने लाना है, अब वही चार मूव लगाना है, चार मूव लगाए अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, दोबारा लगाएंगे अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अब सॉल्व हो गया तो अब ये पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। अगर आप एकदम डिटेल में सीखना चाहते हैं इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट भी।